सचखंड श्री दरबार साहिब रूहानियत का केंद्र है, जहां पर लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं, जिसके चलते बॉलीवुड के प्रसिद्ध अदाकार राज बब्बर, जया प्रदा और इहाना ढिल्लो अपनी नई आ रही फिल्म भूत अंकल तुसी ग्रेट हो की कामयाबी के लिए अरदास करने के लिए सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक हुए। इस मौके पर जया प्रदा ने कहा कि उनकी ओर से पहली बार पंजाबी फिल्म की जा रही है और उन्हें इस फिल्म से काफ़ी आशाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के टाइटल से ही पता चलता है कि ये फिल्म हॉरर फिल्म है और इसमें कॉमेडी भी भरपूर मात्रा में है, जिसकी प्रमोशन हेतु वे अमृतसर पहुंचे हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ और आज मैं अकेली नहीं हूँ, मैं राज बब्बर साहब और इहाना से मैं साथ आई हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा और कई दिनों का मेरा अरमान है कि इस पवित्र स्थान पर गुरुद्वार में मुझे माता टेक के मेरा अरमान पूरा हुआ। आज मैं बस इतना ही मांगती हूँ कि हमारे जो फिल्म भूत अंकल तुसी ग्रेट हो ये रिलीज़ पे है 26 तारीख को, तो हम माता टेकने आए हैं और उनका आशीर्वाद सदा रहे। शायद मेरा ये रिश्ता बचपन तो है, मेरे नानके इतने पिछे पासिया वाले चौक में, तो मैं बचपन से अगर किधरे भी गया तो मेरी माँ मेरे मामे मैनू लेके आते सन कि इतने आ मत्था टेक। असी शुरुआत की इस फिल्म की भूत अंकल, मैं ते बुकाड़िया साहब साढ़े प्रोड्यूसर के सी बुकाड़िया साहब इतने आए सा, मत्था टेक के असी शुरुआत की और बाबे की मेहर रही कि इस फिल्म दे विच जा पता जे सी अदाकारा जो शायद किसी परचे की मोहताज नहीं, इन्हां नूं लगता सी कि पंजाबी फिल्म नहीं हो सकती, पंजाबी जबान है, लेकिन इहदी इच्छा बड़ी सी। जिवें इन्होंने खुद ही कहा कि मैं 7 जबानां 'च काम कीता, तो मैं कहा पंजाबियों की जबान 'च काम करोगे तो 8वां अजूबा हो जाएगा। मैनू काफ़ी उम्मीद है, एक पंजाब दे विच पहली हॉरर पिक्चर है, हाले तक कोई हॉरर पिक्चर बनी नहीं है पंजाब दे विच, एंड उस तो अलावा हॉरर पिक्चर का मतलब ये नहीं है कि कल्ली हॉरर है, ये कॉमेडी भी है, ये इमोशंस बहुत ज़्यादा ने, स्पेशली जो जय मैम दे सीन्स ने इन्ने ज़्यादा इमोशनल है कि जो एडिटिंग से भी असं सीन्स देख रहे थे साड़ी अखां च हंझू आ जाते थे, इमोशनल सीन्स काफ़ी ने। सो एक फैमिली मूवी है, बच्चे भी है मूवी के, एंड दैन इन्ने वे वे कलाकार ने मूवी के।